राजेश पालिया को भी लेकर आएंगे, हर्षा उपाध्याय भी आगे होंगे ब्रेक के बाद। ओके चलिए राजेश पालवे को भी जोड़ लेते हैं एक बार शो में। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड रहेगी इस समय की? गुड आफ्टरनून अनुज जी, तो शॉर्ट साइड का ट्रेड है और उसमें हमें लगता है बजाज ऑटो यहाँ से एक वीकनेस दिखा रहा है और स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहे हैं, तो बजाज ऑटो फ्यूचर्स पे शॉर्ट करने की सलाह है। डाउन साइड के टारगेट एक्सपेक्ट करें, इसमें आना चाहिए करीब 11,500 की तरफ ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है, तो बजाज ऑटो फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह है और स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब होगा 11,710 के आसपास। फिलहाल आपके लिए बजाज जो ऑटो में भी क्वाली की सलाह। जो शक्ति पंप पर एक अपडेट आ रहा था, एक शेयर पर 5 बोनस का फैसला हो गया है और मैंने अभी नोटिस किया, कौन क्या ट्रेड दे रहा है वो आपके सामने पेश कर देते हैं, फिर ये ट्रेड भी लेना शुरू करेंगे। सस्ता ऑप्शन के लिए राजेश पालवे हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उन्हीं से ट्रेड लेंगे। राजेश साथ साथ आपको बताएंगे एफएनओ का सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार के लिए मानस है और शरद अवस्थी तो है ही, जो आपको बताने वाले हैं कि आज मिड कैप फंडा के तौर पर इन्हें क्या पसंद आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पालिया जी बताइए सस्ता ऑप्शन। तो अगेन वीकनेस की तरफ ही ट्रेड करेंगे और उसमें हमें लगता है आरईसी पीएफसी दोनों स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक हो चुका है, आरईसी के पुट पे फोकस है। आरईसी में हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकडाउन हुए ये स्टॉक में फर्दर डाउन मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, तो 490 की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह है, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है करीब 16.50 रुपए के आसपास, ये पुट ऑप्शन बाय किया जा सकता है। एंड डाउन साइड में इस पुट के जो टारगेट हमें लगता है आ सकते हैं वो करीब 24 रुपए की तरफ आते हुए दिख सकते हैं, स्टॉप लॉस रखेंगे इस पुट ऑप्शन का करीब 12 रुपए के आसपास। तो हमें लगता है आरईसी का ये फॉल 485-480 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, इसलिए यहाँ पे 490 के पुट के थ्रू इसको डाउन मूव को प्ले किया जा सकता है। ओके 490 का पुट राजेश पालवे जी की तरफ से आता हुआ, जहां पे शॉर्ट स्ट्रैप अगर किसी दिन हो तो एक मीनिंगफुल थ्रस्ट आएगा, आपकी रीडिंग क्या कहती है उस अनुसार आप क्या प्ले करना चाहेंगे पुल बैक के लिए राजेश पालवे जी? तो एग्जैक्टली देखिए वीरेन जी, सबसे स्मार्ट रिकवरी या जितनी शार्प रिकवरी बनी वो बैंकिंग बैंक निफ्टी में बनी और उसमें सबसे मेन हमें लगता है कि यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का कंट्रीब्यूशन रहा, जिस तरीके से स्टॉक अपने एक इम्पोर्टेंट लेवल से आज लो बना के रिवर्सल दे रहा है और स्टॉक ओवरऑल लॉन्ग साइड में ही है, अगर इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे तो आईसीआईसीआई बैंक एक अट्रैक्टिव बैंक है यहाँ पे पुल बैक को प्ले करने के लिए। हमें लगता है एग्जैक्टली इसने 50 डे मूविंग एवरेज को आज रिटेस करके वहां से पुल बैक दिया है, तो यहाँ पे जरूर हमें लगता है कि एक मौका है 1235 के स्टॉप लॉस से आईसीआईसीआई बैंक एक पुल बैक के लिए हमें लगता है लिया जा सकता है और 1280-1290 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। ओके तो ये समय एक व्यू आईसीआईसीआई बैंक पर। चलिए एक स्टॉक डिस्कस करते हैं, वोडाफोन आइडिया, एक बार स्टॉक लेकर आइए आज फिर से फ्रेश 52 रुपए बाय। राजेश पालू जी के पास चलते हैं, राजेश जी आप क्या पिक कर रहे हैं? तो वीरेन जी स्टॉक पसंद आ रहा है बाय साइड का और वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्टॉक डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है और इस वोलेटाइल मार्केट में भी स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को बखूबी होल्ड किया हुआ है, तो यहाँ स्ट्रेंथ तो है, स्टॉक ने आज के डे लो से एक अच्छी रिकवरी भी दी है। हमें लगता है M&M यहाँ से BTSC किया जा सकता है, स्टॉक टारगेट जो हो सकते हैं वो करीब 3115-3120 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं, स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 3040 के आसपास। ओके चलिए तो ये इस समय पालवे जी की पिक। कविता जी आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? तो अनुज जी आज सुबह से बजाज फाइनेंस एक रेजिलेंस शो कर रहा है,